झांसी, कर्नाटक, ढाका, मुर्शिदाबाद और सीतामढ़ी में खुलेआम आगजनी और डकैती की वारदातें हो रही हैं। चिंता किस बात की? आप सब चिंता ना करें, हमने आज तक हार का मुंह नहीं देखा, हमारा हौसला बुलंद है। हमने बड़ौदा में अंग्रेजी सेना का सफाया कर डाला है। महारानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने से संग्राम समाप्त नहीं हुआ है। हम हैं, आप हैं, पूरा हिंदुस्तान इन अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने के लिए। इस युद्ध में किसानों, सामंत और प्रत्येक प्राणी को राष्ट्र रक्षा युद्ध का आमंत्रण भेजिए। आरा के कुंवर सिंह हमारे साथ है, उनकी उम्र पर मत जाइए। बूढ़े होने के बावजूद अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रखे, ये तलवारें, बंदूकें, ये ढाले संकट के समय ही तो काम आती। यह मातृभूमि का आह्वान है, हम सबके एक होने का समय आ गया है। इन अंग्रेजों से लड़ना है हमको। यह मातृभूमि का आह्वान है, क्या आप सबको स्वीकार है? जय महाकाली, जय महाकाली। उन्होंने जहां भी युद्ध लड़ा वहां अंग्रेजों को खदेड़ दिया, मार भगाया। लेकिन हम दुश्मन से तो लड़ रहे थे, दूसरी तरफ हम अपने बीच में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ पाए। उन गद्दारों के कारण ही ठाकुर रणमत सिंह को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। नहीं, हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, आप सब किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। बल, विद्या, धन, मान, पद, पौधा, इज्जत, चोरत, जान माल, छोटी बड़ी जागीर सब पर इस पिता ने सल्तनत कब्जा कर रखा है, हम इन्हें आजाद करा कर रहेंगे। ठाकुर रणमत सिंह चाहे तू संघर्ष करने वाले युवाओं की हमारी परंपरा रही, धरती के करवट लेने का समय आ गया। सूरज चांद अगड़ाई नहीं, बादलों को भी अपनी दिशा बदलनी होगी। हम सबको एक साथ मिलकर संघर्ष करना होगा ताकि इस दास्तापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाए और स्वतंत्र जीवन का निर्वाह करे। जय हो महाकाली। ठाकुर रणमत सिंह, तुम हमारी गिरफ्त में हो। सिर्फ मुझे गिरफ्तार करने से कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेज आजादी के पौधों का बीजारोपण बघेलखंड की जनता के जन मन में है। लेकिन बाबा, हम ऐसे महान क्रांतिकारियों को कैसे भूल सकते हैं? भूले नहीं है,
भूल सकते नहीं है। कहे कि सौंप दी। चलो चले सब साथ।